वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमेडिया डेल आर्ट, जो कि अर्ली थिएटर फॉर्म है, प्रोफेशनल थिएटर फॉर्म है इटली का, जो बाद में 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में पूरी यूरोप में फेमस हुआ था. कॉमेडिया डेल आर्ट को कई लोग कॉमेडिया डेल आर्टे भी कहते हैं, कई लोग कॉमेडिया डेल आर्ट कहते हैं. तो इसकी जो स्पेलिंग है मैं वो आपको बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है. COMEDIA कॉमेडिया, DELLARTE डेल आर्टे. तो कई लोग इसको कॉमेडिया डेल आर्टे कहते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस थिएटर फॉर्म इज कॉमेडिया डेल आर्ट. अब ये इटली का कॉमेडी थिएटर फॉर्म है, या कॉमेडी थिएट्रिकल फॉर्म ऑफ इटली, जो कि बाद में यूरोप में फेमस हुआ था. ये चीज अभी मैंने जस्ट आपको बताया. कुछ मेन एलिमेंट्स हैं इस थिएटर फॉर्म के, लाइक इसकी जो स्टोरी है या इसके जो कैरेक्टर्स हैं, दे आर ऑलरेडी फिक्स्ड और स्टॉक कैरेक्टर्स हैं, लाइक अ सर्वेंट, द लवर एंड द मास्टर, और मिलिट्री मैन, और मैं अगर बात करूं तो फूलिश ओल्ड मैन. ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही कॉमेडिया डेल आर्ट जो थिएटर है उसको परफॉर्म किया जाता था या इम्प्रोवाइज किया जाता था, बट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कैरेक्टर्स वर फिक्स्ड. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस कॉमेडिया डेल आर्ट फॉर्म की ये है कि इस टाइम पर ही एक्ट्रेसेस का इन्वॉल्वमेंट थिएटर में देखने को मिला था. और एक और चीज, कॉमेडिया डेल आर्ट को कहीं कहीं पर कहते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल थिएटर. सो यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल थिएटर. हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट हम इसको फिजिकल थिएटर में क्यों काउंट करते हैं, बिकॉज कॉमेडिया डेल आर्ट जो कॉमेडी थिएटर फॉर्म इटली का है, इसमें जितने भी एक्टर्स जब स्टेज पर परफॉर्म करते थे या लीड एक्टर्स जो परफॉर्म करते थे, तो वो मास्क को वेयर करते थे. अब अगर एक्टर मास्क को वेयर कर रहा है तो वो अपने एक्सप्रेशंस जो है वो ऑडियंस तक कन्वे नहीं कर पाता, और जब वो अपने एक्सप्रेशंस को ऑडियंस तक कन्वे नहीं कर पाता, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज नहीं कर पाता, तो वो अपनी बॉडी को यूज करता है. बॉडी को यूज करता है तो नेचुरली वो फिजिकल मूवमेंट है, उसको ज्यादा अपनी बॉडी को यूज करना पड़ता था एज अ टूल. तो इसलिए कॉमेडिया डेल आर्ट को फिजिकल थिएटर भी कहीं कहीं पर कहा गया है. 16th से 18th सेंचुरी के बीच में यूरोप में फेमस हुआ था. अर्ली प्रोफेशनल थिएटर फॉर्म है इटली का, इसलिए इसको इटालियन कॉमेडी भी कहा गया है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉमेडिया डेल आर्ट के बारे में, जो कि हमने बेसिक एक आइडिया उसका ले लिया है. अगले किसी वीडियो में हम ऐसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच.